वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। तो हमारी सीरीज चल रही है करंट रिवीजन, राजस्थान करंट रिवीजन की। डेली क्लासेस मिलती है आपको सुबह 9 बजे लाइव क्लास। और जो भी विद्यार्थी राजस्थान पुलिस वीडियो मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो सभी एग्जाम के लिए डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज पार्ट नंबर मैं 25 लेके आया हूँ, इससे पहले 24 मैंने उपलब्ध करवा दिए। और जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर दो। अगर आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो बात करते हैं करंट अफेयर्स रिविजन 2021 की राजस्थान। देखो, दिसंबर की चर्चा करेंगे क्या कुछ है। हाल ही में नियुक्त सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर के नए सीईओ कौन है, जिनका जन्म अजमेर में हुआ है। तो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। तो वो है पराग अग्रवाल। कौन है? ट्विटर के नए सीईओ आपको पता है बन चुके हैं, और इनका जन्म अजमेर में हो चुका है, अजमेर में हुआ था। और ये ट्विटर के नए सीईओ कौन बन चुके हैं? पराग अग्रवाल। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य सरकार पारिवारिक परिस्थितियों के चलते जॉब छोड़ने वाली महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग वापस काम उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना लेकर आई है? तो कौन सी योजना लेकर आई है, इसका आंसर हो जाएगा बैक टू वर्क योजना, ऑप्शन नंबर बी। बैक टू वर्क योजना है इसका आंसर। और अभी जॉब छोड़ने वाली महिलाओं को निजी क्षेत्र के सहयोग से उपलब्ध करवाने के लिए योजना स्टार्ट की गई है। अगला देखो, नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है? तो 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो तीसरे का आंसर हो जाएगा भावेश शेखावत, ऑप्शन नंबर सी। किसने जीता है? भावेश शेखावत ने। अगला क्वेश्चन देखो, हाल में भारतीय सेना ने दक्षिणी शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? भारतीय सेना ने दक्षिण शक्ति युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया है? तो 4 नंबर का उत्तर हो जाएगा जैसलमेर, ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर किया है? जैसलमेर में। अगला क्वेश्चन देखो, प्रदेश में होने वाले सांस्कृतिक उत्सवों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सांस्कृतिक उत्सवों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो राज्य में कुंभलगढ़ उत्सव 1 दिसंबर से राजसमंद में शुरू होगा। ये सही है, 1 दिसंबर से शुरू होगा, राइट है। राज्य पर्यटन विभाग के अनुसार रणकपुर जवाई बंद उत्सव पाली जिले में शुरू होगा। ये भी सही है, ऑप्शन नंबर एक और बी दोनों सही है। 30 और 31 दिसंबर को माउंट आबू पर शरद उत्सव 2021 का अंतिम आधिकारिक पर्यटन कार्यक्रम रहेगा। ये भी सही है, ये करवा दिया मैंने आपको। और उसके बाद में देखो, हाल में बूंदी उत्सव और मत्स्य उत्सव का आयोजन अलवर जिले में किया जाएगा। तो ये यहाँ पर ऑप्शन क्या है? असत्य हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर पूछा क्या है? असत्य कथन पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में किस पक्षी के प्रजनन केंद्र के रूप में सांभर झील चर्चा में है? किसके कारण सांभर झील चर्चा में है? तो 6 नंबर का उत्तर हो जाएगा फ्लेमिंगो राजहंस, ऑप्शन नंबर सी। ये अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना, भी सांभर झील पक्षी के प्रजनन केंद्र के रूप में सांभर झील क्यों चर्चा में है? तो 6 का उत्तर देगा सी, फ्लेमिंगो राजहंस के कारण। अगला देखो, हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जीर्णोद्वार हेतु स्वीकृत सरवाड़ व फतेहगढ़ के किले के किस रियासत में स्थित है? तो सरवाड़ व फतेहगढ़ के किले किस रियासत में स्थित है? तो 7 नंबर का उत्तर हो जाएगा किशनगढ़ अजमेर, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? किशनगढ़ अजमेर। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य लोक सेवा आयोग RPSC के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह यादव सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और RPSC के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? और RPSC के बारे में आपको कौन से नए अध्यक्ष कौन बन चुके हैं, इनको आप अच्छी तरह से पूरी पढ़ लेना, क्योंकि RPSC बहुत ही चर्चा में है। तो लोक सेवा आयोग की स्थापना 20 अगस्त 1949 को जयपुर में की गई। ये सही है, 8 नंबर का, ये 8 नंबर क्या, 8 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 1 नंबर इसका सही है, सत्य कथन बताना है। तो सत्य कथन इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी, ये पहला सही है। RPSC के प्रथम अध्यक्ष तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश SK घोष को बनाया गया, ये भी सही है। संविधान के अनुच्छेद 316 के अनुसार राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखो, नीति आयोग द्वारा हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG शहरी इंडेक्स 2021-22 के अनुसार प्रदेश के किस जिले को देश में 37वां स्थान मिला है? तो किस देश को मिला है 37वां स्थान? 9 नंबर का उत्तर हो जाएगा जयपुर को। किसको मिला है? जयपुर शहर को। अगला क्वेश्चन देखो, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की पहचान हेतु जीनोम सिक्वेंसिंग लैब की आवश्यकता होती है, राज्य में ये सुविधा कहाँ है? तो ध्यान रखना, जीनोम सिक्वेंसिंग लैब की आवश्यकता होती है, और राज्य में ये कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना, स्वाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर, ऑप्शन नंबर सी।
स्वाई मान सिंह मेडिकल कॉलेज है जयपुर में, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन देखो, राज्य में निरोगी राजस्थान के संकल्प को पूरा करने हेतु बच्चों व महिलाओं के लिए आयुर्वेद विभाग कब से निःशुल्क औषधि वितरण अभियान चलाए जाएंगे? तो 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा 1 जनवरी 2022 को, ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? बच्चों व महिलाओं के लिए आयुर्वेद विभाग निःशुल्क औषधि वितरण अभियान है चलाया जाएगा। 12 नंबर देखो, राज्य की पहली किसान रेल कहाँ से चली जो बैता स्टेशन असम के लिए रवाना हुई थी? तो किस शहर से चली जो बैता स्टेशन असम के लिए रवाना हुई? तो 12 नंबर का उत्तर हो जाएगा अलवर से। कहाँ से चली थी ये ट्रेन है? अलवर जिले से। ये सब करंट के क्वेश्चन है, अच्छी तरह से इसको पढ़ लेना। प्रदेश में कृषि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से कहाँ खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है? तो खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित कहाँ पर किया गया है? तो 13 नंबर का उत्तर हो जाएगा सगरा भोजका जैसलमेर, ऑप्शन नंबर सी। सगरा भोजका जैसलमेर में खजूर का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है। अगला देखो, शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट 2021 का 16वां संस्करण जारी किया गया था और इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कितने प्रतिशत शिक्षित ग्रामीण अभिभावकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाए गए हैं? मतलब शिक्षित ग्रामीण अभिभावकों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिल करवाए गए हैं, कितने प्रतिशत करवाए गए हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर डी 48%। कितने? डी ऑप्शन 48%। अगला देखो, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु कितनी राशि जारी की है? स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु कितनी राशि जारी की है? तो 15 नंबर का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी 656.17 करोड़, ऑप्शन नंबर है सी। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय डाक विभाग द्वारा 2 दिवसीय जिला प्रदर्शनी जोधापैक्स का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर में। जोधापैक्स का मतलब जोधपुर। 16 नंबर का बी उत्तर, जोधपुर। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान मूल की किस शख्सियत को प्रतिष्ठित वैश्विक टाइम मैगनीज के लिए 2021 टाइम नेक्स्ट 100 प्रभावशाली व्यक्तियों की सूची में शामिल किया गया है? तो 17 नंबर का उत्तर हो जाएगा 1 नंबर, अपूर्व मेहता को, ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अपूर्व मेहता को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में राज्य के किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है? राज्य के किस पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी का चयन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है? तो 18 नंबर का उत्तर हो जाएगा ए और सी दोनों, यानी कि रवि ओझा और रणजीत सिंह गुर्जर, इन दोनों का ए और है सी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। अंतिम क्वेश्चन देखो, प्रदेश के शास्त्रीय संगीतकार शशिकांत कमल किस नए वाद्य यंत्र को तैयार कर रहे हैं? शास्त्रीय संगीतकार शशिकांत कमल किस नए वाद्य यंत्र को तैयार कर रहे हैं? तो 19 नंबर का उत्तर हो जाएगा बी, कमल वीणा को, ऑप्शन नंबर है बी, कमल वीणा को वो तैयार कर रहे हैं नए वाद्य यंत्र को। ये थे छोटे छोटे वीडियो आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ, जाते जाते वीडियो को लाइक शेयर कर देना, जितने भी ग्रुप बने उनमें आपको वीडियो को शेयर करना है। तो लगातार चैनल के साथ बने रहिए, करंट का क्वेश्चन राजस्थान इंडिया इससे बाहर आपका नहीं जाएगा। छोटी छोटी मैं आपको रिविजन आपको डेली उपलब्ध करवा रहा हूँ, क्योंकि हमारे लिए एक एक क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।